आपका स्वागत है जेनिथ लर्निंग क्लासेस में। आज हम सीबीएसई के 10वीं कक्षा के हिंदी क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास जी के पद को पढ़ने से पहले उनके विषय में हम कुछ जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्मस्थान दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। किंवदंतियों के अनुसार उनका कुछ विद्वानों का मानना था कि वो जन्मांध थे और कुछ विद्वानों का मानना था कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उनकी रचनाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अंधा हो, जो जन्मांध हो, वो ऐसी रचना नहीं कर सकता। जो ब्रज के प्राकृतिक छटाओं का जो वर्णन उन्होंने अपने पद में किया है, वो जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए विद्वानों का मानना है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, वे बाद में अंधे हुए। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूर सरावली। इनके पद में आप देखेंगे तो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का भरपूर समावेश किया गया है। तो आज हम सूरदास जी के पद को पढ़ेंगे। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी मैं पाऊं न बोर्यो दृष्टि रूप न परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अर्थात कहने का आशय यह है कि यहाँ पर उद्धव जी जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले आते हैं और उनकी विरह वेदना में गोपियाँ गोकुल में तड़पती हैं, परेशान रहती हैं, तो उद्धव कृष्ण जी को पता चलता है कि गोपियाँ उनकी विरह वेदना में तड़प रही हैं, तो वो उद्धव जी को भेजते हैं समझाने के लिए कि जाइए उनको प्रेम के मार्ग से हटा करके उन्हें योग के मार्ग पर ले आइए। वही योग और ज्ञान की बातें उनको समझाने के लिए जाते हैं तो गोपियाँ उन पर तंज कसती हैं, उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। आप हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी उनके स्नेह रूपी प्रेम रूपी धागे से अछूते हो। अपरस मतलब यहाँ पे होता है अछूता होना, उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, अस्पृश्य हो, नहीं उनके प्रति आपके मन में कोई प्रेम या अनुराग है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है परंतु जल की एक बूंद भी उस पर नहीं लगती, न ही जल के अंदर डूबता है, ठीक उसी प्रकार आप भी हो जो कृष्ण के पास रहते हो फिर भी उनके प्रेम से अभी तक अछूते हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जैसे तेल की गगरी जल के अंदर जाने से उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं लगती। प्रीत नदी में पाँव न बोरे दृष्टि रूप न परागी, ठीक उसी प्रकार आप प्रीत नदी में पाँव भी नहीं रखे हुए हैं और न ही आपके ऊपर प्रेम रूपी कोई दृष्टि पड़ी है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं तो अबला हूँ, मैं तो भोली भाली गोपिकाएँ हूँ, मैं तो उसी प्रकार से कृष्ण के मोह में आसक्त हूँ, कृष्ण के मोह में आकर्षित हूँ, जिस प्रकार चीटी गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। इस पद में आप शिल्प सौंदर्य को देखेंगे, काव्य शिल्प सौंदर्य को देखेंगे,
तो संपूर्ण पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार है। जैसे प्रीति नदी में आप देखेंगे तो रूपक अलंकार है, चीटी ज्यों पागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है, अनुरागी दागी लागी परागी पागी में स्वर मैत्री है, तथा यह सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए दिखते हैं। इनके पद में गेयता एवं संगीतमयता का सुंदर निर्वाह हुआ है। शब्द चयन उचित एवं भाव विभक्ति में सार्थक है। अब जो अगला पद है वह है मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुन सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। अर्थात कहने का आशय यह है कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई, मन की मन में माझरी, अर्थात जो अभिलाषा थी हमारे कृष्ण से मिलने की वह मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही, हमें यह आशा थी कि शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण दर्शन को आएंगे, हम चाहती थी कि जिन बातों को न कहना पड़े उन बातों को अब हम किससे कहें, किससे जाके हे उद्धव जी हम अपने मन की बातों को किससे कहें, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अर्थात कहती गोपियां कहती हैं कि उनके आने की अवधि अब बीत गई है, गोपियां कहती हैं कि उनके आने की उम्मीद में, उनके आने की आस में जो अवधि थी वह अभी बीत गई है, अब यह तन मन की व्यथा किससे कहें, अब यह तन मन की जो हमारे तन और मन में जो व्यथा जो व्यथित हो रहा है व्यतीत हो रहा है वह किससे कहें। और यह जो दुख है यह सहन योग्य नहीं है, यह बस हम लोग सहे जा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, उनके आने की उम्मीद में तन मन जो यह जो व्यथा बस सहन कर रहा है, अब इन जोग संदेश सुनी 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 बिरहिन बिरह दही। गोपियां कहती हैं कि अब ये जो जोग रूपी जो संदेश आप लेकर आए हैं, योग रूपी संदेश जो लेकर आए हैं, यह सुन सुन के यह मेरे विरह की अग्नि जो है और भी दहक जा रही है, और भी भड़क जा रही है। चाहती होती गुहार जितहि तय उत तय धार बही, मैं जब भी चाहती हूँ कि उन्हें गुहारूँ उन्हें पुकारूँ, तब तब यह जो विरह वेदना की जो प्रचंड अग्नि है उसकी धारा और तेज प्रवाहित हो जाती है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा नहीं न लही। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही, अर्थात हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, ज्ञान और योग का संदेश भेजकर हमें विरह की अग्नि में जला क्यों रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी है, अब हमारा धैर्य का बांध टूटने की कगार पर है।